नीता यादव में आपका स्वागत है। आज हम लौकी और पनीर के कोफ्ते बनाएंगे, तो आइए इसके लिए हम बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए, मैंने आधा किलो ये लौकी ली हुई है। लौकी एकदम ताजी होनी चाहिए, हरी, तभी कसने में बहुत अच्छे से ये कस पाएगी। और देखिए इस तरह से इसको हम छील लेंगे पहले, और छीलने के बाद हमको इसको कस लेना है। देखिए इस तरह से हम सारी लौकी को छील लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारी लौकी को हमने कस लिया है। कस लेने के बाद हम इसको हाथों की सहायता से दबा देंगे और इसका जो रस है उसको अलग हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लौकी को कस लिया और इसका सारा जो रस है निकाल दिया। देखिए इस तरह से इसमें इतना रस निकला है, इसको हम अलग कर देते हैं। और आइए इसमें और चीजों को मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 50 से 60 ग्राम पनीर लिया, ये घर का ही पनीर है, उसको भी इस लौकी में अच्छे से हम मैश कर देंगे। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट है, आराम से हो जाएगा। ये देखिए पनीर और लौकी को हमने अच्छे से इसमें मैश कर लिया है। यहाँ पे देखिए हम सारी चीजों को डालेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी मैं, ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा उसको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा सूखा धनिया। और यहाँ पे देखिए इसको बाइंडिंग के लिए हमें बेसन लेंगे। बेसन को हमने पहले भून लिया था, भूनने के बाद हम इस बेसन को डालेंगे देखिए, ताकि थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाता है। जो हमारा कच्चा बेसन होता है एकदम चिकना चिकना सा रहता है, तो ये भुना हुआ बेसन हम डालेंगे तो इसमें जितना भी पानी सा होता है वो अच्छे से इसको सोख लेगा। देखिए पहले मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, फिर इसमें बाद में जितना जरूर डालना होगा हम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, और सारी चीजों को हम अच्छे से मिला करके मैश कर लेंगे। इसमें जितना बेसन लगेगा हम ऊपर से अलग से डाल देंगे। पहले हम अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमें कितना इसमें हमें बेसन लगेगा। ये देखिए हमने इसमें बेसन डाला था, अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा गीला सा लग रहा है इसमें, तो हम इसमें और थोड़ा सा जो 2 चम्मच हम जो बेसन है उसको और डालेंगे। और इसको कर करके मिला करके अच्छे से हम देखिए इस तरह से गूंथ लेंगे, जैसे कि आटा गूंथते हैं, बड़े आराम से सारा मिक्स हो जाएगा। देखिए आराम से तो हमारा लौकी और पनीर का आटे की तरह एकदम तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से हम थोड़े थोड़े इसके पीस लेंगे, पोर्शन लेंगे, और इस तरह से बिल्कुल इसको गोल बना लेंगे। जिस तरह से गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें शेप बनाना। देखिए इस तरह से बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह इसको हम एकदम गोल बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे ही कोफ्तों को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे इसके गोल गोल शेप में हमने जो कोफ्ते हैं बना करके तैयार कर लिए। आइए अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको कोफ्ते के लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 4 टमाटर लिए थे और उसको छोटा छोटा कट कर लिया है, और उसी में ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी, वो भी हम इसी में पीस लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मखाने लिए, उनको थोड़ी देर पहले भिगो दिया था पानी में, वो भी हम इसमें ले लेते हैं। ये जो कोफ्ते हैं हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, इसलिए हमें ग्रेवी के लिए और चीज़ों को इसमें डालना पड़ेगा। ये देखिए भुनी हुई मूंगफली है, उसके हमने इस तरह से देखिए छिलके उतार लिए थे, वो भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम ढक्कन लगा करके इसको हम पीस कर एक पेस्ट सा बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा मिश्रण बन करके तैयार हो चुका है, इसको हमने पीस लिया है। आप इसमें और भी चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, बादाम, जो भी आपको डालना है वो भिगो करके आप इसमें डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके जो हमने ये बनाए हैं कोफ्ते उसको देखिए इस तरह से डाल देंगे। इसमें आपको जितना भी डालना है उस तरह से आप इसको डालिए। देखिए इस तरह से 1 चम्मच की सहायता से इसको हमको धीरे धीरे चलाना है, ताकि सब तरफ से अच्छे से ये गोल्डन से हो जाए। देखिए गैस की फ्लेम को मैंने अब धीरे कर दिया है, पहले मैंने तेज करा था। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से ब्राउन से हो गए हैं, और हम इसको निकाल लेंगे, और बाकी के बच्चों को भी इस तरह से हम तल करके तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले देखिए थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें साबुत मसाले डालने हैं, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और इस तरह से काली मिर्च और जीरा और दालचीनी डाल देंगे। और देखिए इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, इस
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमने मसाला पीस करके तैयार करा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको डाल करके भून लेंगे। पेस्ट बना करके तैयार करा था उसको अच्छे से हम भून लेंगे और बाकी के देखिए इसमें सारे मसालों को हम डाल देंगे। यहाँ पर देखिए हल्दी का पाउडर डालना है हमें आधा चम्मच, दो चम्मच इसमें हम धनिया डालेंगे सूखा, दो चम्मच ये किचन किंग मसाला है वो डालेंगे और यहाँ पे देखिए लाल देगी मिर्ची मैंने डाली है और हरी मिर्च डाली थी इसलिए हम कलर के लिए देगी मिर्ची डालेंगे इसमें और सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए सारे मसालों को हमने इसमें डाल दिया है, जो मिक्सी में हमारा पानी डाल दिया हमने जो मसाला चिपका था वो इसमें निकल जाएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से डाल करके हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दो दिन की अपने दूध की ताजी मलाई ली हुई है, ये आप इसके बदले फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसके दूध की मलाई को भी देखिए इस तरह से इसमें डाल देंगे और डाल करके अच्छे से चला देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि इसमें से हमारा घी एकदम सेपरेट हो जाएगा और बीच बीच में उसको हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। देखिए इसकी लीड को उतार के देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये मसाला भुन चुका है। देखिए इसमें से ऑयल एकदम सेपरेट हो चुका है, मलाई का एकदम घी निकल चुका है। देखिए अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए जितना आपको डालना है। इसको अच्छे से चला देंगे देखिए और इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी आपको प्यूरी रखनी है उस तरह से आप इसमें पानी डालिए और इसको पकने के लिए अच्छे से हम दोबारा से ढक के रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें आधा चम्मच पीसी हुई चीनी डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए इसको चला लेंगे। अब जो हमारी इसकी प्योरी बनकर के देखिए एकदम से तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें पतली नहीं करना है क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो वो फिर सोख लेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी इस तरह से हाथ से क्रश करके और इसमें यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफ्ते हमारे इस तरह से बन करके तैयार हुए थे सारे ही कोफ्तों को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे इस तरह से कटा हुआ और इसको ढक के रख देंगे, फिर आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। हमारे कोफ्ते बनकर के तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से तैयार हुए। ये देखिए मैंने एक कोफ्ता लिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कितना सॉफ्ट बना है। देखिए एकदम से बहुत बढ़िया हमारा एक कोफ्ता बनकर के तैयार हुआ है। आप लौकी और पनीर के कोफ्ते को जरूर बनाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।